प्रदेश हेतु सामान्य खेती हेतु संस्तुत की गई है। आइए जानते हैं कि इस प्रजाति के क्या गुण हैं और इसकी क्या पहचान है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद के वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो किसान भाइयों को बताइए कि इस प्रजाति की क्या विशेषता है, उपज में कैसी है और चीनी प्रता में कैसी है। किसान भाइयों, ये किस्म उपज में बहुत अच्छी है। इसकी 90 टन 900 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से अधिक की उपज प्राप्त की जा सकती है। गन्ना इसका बिल्कुल ठोस होता है, इसमें किसी तरह का कोई पिथ या कोई छिद्र नहीं है, बिल्कुल ठोस गन्ना है। और ये अगेती किस्म है, इसमें इस समय लगभग पोल परसेंट इन केन 14% है जनवरी में जी। और आपका इसकी पहचान के लिए, हाँ, पहचान के बारे में थोड़ा सा डॉक्टर साहब बताएं किसान भाइयों को पहचान, कि क्या पहचान, कैसे इसको पहचाने, इस प्रजाति की क्या विशेषता है, कैसे पहचान सकते हैं किसान भाई। तो अगर क्रॉप खड़ी हुई है, अगोला आपको मिल रहा है, तो अगोले में देखेंगे ये आपको रेड कलर के ये पैच दिखाई दे रहे हैं। अगोले में जो इसको ये अगर ये कहें कि लीफ सीथ की बात कहें, अगर इसको हिंदी में पत्रकंचुक कहते हैं जी जी, तो हाँ। ये देखें तो लीफ सीथ में इसके लाल रंग के लगभग धब्बे पाए जाते हैं, स्पॉट पाए जाते हैं। हाँ। एक तो ये पहचान है इसकी, ये क्लियर कट इसमें दिख रहे हैं। और दूसरा, ये यहाँ पे आर्किल होता है, इसको हिंदी में आप आलिंद कर्ण कह सकते हैं। आर्किल, हाँ आर्किल। तो ये एक तरफ बहुत हल्का सा डेल्टा टाइप का या दांत के आकार का, ये हल्का सा, ये इसको अगर सामान्य भाषा में कहें तो कान कह सकते हैं इसको, कि गन्ने का कान। हाँ, आलिंद कर्ण, आलिंद कर्ण का मतलब कान से ही हो गया जाकर के। और एक तरफ बिल्कुल ये एनसीपीएंट टाइप का है, यहाँ एक तरफ है नहीं, यानी कि जो हमारी पोजीशन है आउटर साइड का जो आर्किल है जी, वो एनसीपीएंट टाइप का है। और इनर साइड का जो आर्किल है, इसमें हल्का सा ये दांत के प्रकार का है, डेंटॉइड बढ़ा होता है। अच्छा, इसके बाद अगोले में देखेंगे इस पर स्पाइन जो होते हैं, यहाँ इसमें स्पाइन बिल्कुल नहीं है। जैसे इसको अगर कहें तो इस पर कांटे बिल्कुल नहीं पाए जाते जी, हैं। कांटे बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो इसको किसान भाई ऐसे करके पकड़ के यहाँ छू के देख सकते हैं कि कांटे नहीं पाए जाते, बिल्कुल नहीं। अच्छा, इसकी जो नोड है, इंटर नोड है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इंटर नोड आप देख रहे हैं, जैसे आँखें किसान भाई देख सकते हैं कि इसकी बड जो है, इसकी आँखें कैसी हैं। इंटर नोड इसकी बिल्कुल सिलेंड्रिकल है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक समान मोटाई की गोलाकार, तो सिलेंड्रिकल टाइप की है जी। और इसकी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं आप, आँख इसकी गोलाकार है, गोलाकार बिल्कुल स्पष्ट गोलाकार है। और इसमें थोड़े से ये हल्के से विंग पाए जा रहे हैं। अच्छा, ये और आप देख सकते हैं इसको किसान भाई, ऊपर किसान भाई देख सकते हैं कि थोड़े थोड़े से इसको इसके ऊपर पंख टाइप से हल्के से इनको कह सकते हैं कि दिखाई पड़ रहे हैं। ये इनकी पहचान है। हाँ, और आँख बिल्कुल ऐसा लग रहा है कछुआ की पीठ जैसी हो। हाँ, इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, कछुआ की पीठ की तरह इसकी बड होती है। ये इसकी पहचान हो गई। तो किसान भाई, ये अगेती किस्म है, ये बहुत ही अच्छी किस्म है और इसको लगा करके अच्छी पैदावार पा सकते हैं। और साथ ही साथ चीनी मिलों के लिए भी ये काफ़ी अच्छी प्रजाति है, कि चीनी पड़ता भी इसका बहुत ही अच्छा है इसमें। तो ये एक अगेती किस्म, बहुत अच्छी प्रजाति गन्ना शोध परिषद द्वारा विकसित की गई है। किसान भाई, इसमें एक चीज़ और देख सकते हैं, अभी तो मैंने जो पहचान बताई वो अगोले से रिलेटेड थी जी। अब इसमें आप देख रहे हैं, जैसे कि ये हमारी इंटर नोड है, ठीक है, इंटर नोड पे आँख के सामने एक नाली सी होती है, किसी वैरायटी इसको बोलते हैं ग्रुप बोलते हैं कुडमल प्रसीता, किसी वैरायटी में होती है, किसी में नहीं होती है, इस वैरायटी में बिल्कुल भी नहीं है। ये कह सकते हैं इसमें बड ग्रुप बिल्कुल नहीं है, बड ग्रुप एब्सेंट है, एब्सेंट। अच्छा, फिर इसको गन्ने को हम काट के देखेंगे तो ये बिल्कुल ठोस मिलेगा, गन्ना सॉलिड है, सॉलिड है, किसी भी तरह का कोई छिद्र नहीं है, पिथ नहीं है। ठीक है, इस वजह से इसका जो सिंगल केन वेट है वो अधिक है, इसी कारण कृषक भाई इससे अधिक उत्पादन ले सकते हैं और इसकी काफी